भी अपना टीपीपी एंगल के साथ ट्राई कर रहे कि कोई प्लेयर अगर ओपन में आएगा तो वापस वो पीक देख रहे हैं। ऑरेंज राके वीरू नॉक डाउन पे मैं के द्वारा अब बॉक्स ईस्पोर्ट्स दे आल्सो वांट टू जंप इनसाइड द पार्टी बिकॉज़ ये पार्टी अब यहां पे एबे के नीचे वाले ओपन कुछ कंपाउंड रहते हैं वहां पे होगी बट यहां पे जेडजेड भी यहां पे ट्राई करेंगे किसी तरीके से वो स्ट्रेट रोटेशन ना डाले बिकॉज़ मेगा स्टार्स आप लोग आपकी स्क्रीन में नजर आ रहे अक्रॉस साइड द रोड एंड लेफ्ट हैंड साइड से जाते तो मल्टीपल टीम्स अब यूडू का स्क्वाड है दे आर डेडली टीम्स ओवर देयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आल्सो। जी हां हर जगह इनफैक्ट यहां पे डेडली टीम्स ही मिलेंगी। T1 को यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें हो सकती है और इसलिए लेट गेम में लेट रोटेशंस बहुत ज्यादा रिस्क में आपको डाल सकती है। आपको बुलेट डैमेज से डील करना है, आपको सामने वाली टीम्स का प्रेशर रहेगा प्लस ब्लू जोन का भी प्रेशर रहेगा। पैराडॉक्स यहाँ पे T1 के प्लेयर्स को स्पॉट कर लेते हैं बट वो व्हीकल जंप यहाँ पे देखने को मिलता है हमको T1 की तरफ से एज दे गेट एन एस्केप फॉर देमसेल्व्स बट नो चांस। टीम की दूसरी तरफ फाइट चल रही है RCS के साथ जहाँ पे सारा को उन्होंने नॉकडाउन किया था। T1 के जो प्लेयर्स थे जो ब्लू जोन में रह गए थे वो वहाँ पे नॉकडाउन हो जाते जो कि यून जून थे। बिल्कुल बट यहाँ पे T1 के प्लेयर्स के लिए थोड़ा सा प्री फायर देखने को मिल सकता है बट यहाँ पे यू लेवल अप के प्लेयर्स भी यहाँ पे ओके एक प्रोन शॉट यहाँ पे देखने को मिले एक और नॉक निकाल पाएंगे एंड यस वहाँ पे प्रोन शॉट के साथ यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे वो T1 को एंड यू लेवल अप का जो एक आखिरी प्लेयर यहाँ पे माओ जो बचा हुआ है स्टार्टिंग में सेल्स के प्लेयर्स को उन्होंने दिक्कत दी बाद में T1 को पूरा एलिमिनेट कर यहाँ पे ऑरेंज रॉक स्काउट ये प्लेयर नहीं रुकने वाला बिकॉज रेयत को इन्होंने नॉक डाउन करा एंड क्लोज एनकाउंटर में आपको यहाँ पे किल फीड चलती हुई नजर आने वाली है। गिल यहाँ पे रेयत को पूरा फिनिश करते हुए दैट मीन्स यहाँ पे स्काउट को किल मिल चुका है। गिल के पास ऑलरेडी 4 किल है एंड यहाँ पे डैमेज कोई भी प्लेयर यहाँ पे नहीं निकालना चाहता बट यहाँ पे किल्स की बात आती है जॉनी डैमेज भले आप यहाँ पे 10 या 15 बट वो जो किल का एक जो मार्क होता है वो आपको हमेशा टेकल अप करके चलना पड़ता है बिकॉज बट एक चीज यहाँ पे नोआ गॉड लाइक वैम्पायर ओपी बचे हुए हैं उन्हीं के साथ हस्तर उनकी टीम में बट ऑरेंज रॉक सिर्फ एक शेक के अंदर बैठी हुई क्या वाला ग्रेनेड एक यू कैन से यूजफुल ग्रेनेड हो सकता है वहाँ पे वैम्पायर के बट कोई नॉकडाउन देखने को मिला नहीं वहाँ पे अच्छा खासा पोटेंशियल कवर के साथ वहाँ पे वैम्पायर बैठे हुए एक और ग्रेनेड यहाँ पे पुल करके फेंका जरूर राइट हैंड साइड से क्या वहाँ पे नॉकडाउन होगा यस द आंसर इज यस ओवर देयर वैम्पायर यहाँ पे स्काउट एंड गिल को नॉकडाउन करेंगे। अब क्या रशिन करते हुए नजर आएंगे बिकॉज वहाँ पे मावी एक इकलौता ऐसा प्लेयर है जो वहाँ पे जिंदा है नोआ गॉड लाइक के प्लेयर्स क्या उनको रियलाइजेशन है कि उन्होंने एक ऑरेंज रॉक के दो प्लेयर वो किल फीड उनको पता है वो लोग अभी भी यही सोच रहे होंगे दो और शायद प्लेयर हो सकते हैं बट उनका एक प्लेयर ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। गिल को यहाँ पे मोलोटो लगता है अब क्या वो बच पाएंगे उस मोलोटो के डैमेज से स्काउट यहाँ पे वापस से वो जो ट्रेड ग्रेनेड्स वो यहाँ पे फेंकते हो बट वहाँ पे थोड़ा सा शॉट जरूर रहता है मोलोटोव्स भी यहाँ पे फेंक रहे हैं बट स्मोक्स यहाँ पे डाल के क्या नोआ गॉड लाइक यहाँ पे क्लोज इन कर सकती थी क्या वो डोमिनेशन दिखा सकती बिकॉज तीनों प्लेयर वापस अपने पैरों में खड़े ऑरेंज रॉक एंड नोआ गॉड लाइक के प्लेयर्स दे मस्ट बी वरीड अबाउट देयर स्टैंडिंग्स ओवर हियर बिकॉज उनके सामने की क्लॉथी ऐसी टीम्स थी जो वो लोग ऑलरेडी डोमिनेट कर चुके थे बट उन्होंने उस चीज का यूटिलाइजेशन नहीं करा यहाँ पे। जी हाँ और ऑरेंज रॉक के लिए आई वुड से टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी वो नॉक्स आने की बट नॉक्स की अगर बात करें द मैन विद द गोल्डन हैंड एक बार फिर से शाइन करते हुए नेट के साथ मावी नॉक निकालते हैं हस्तर का। अब गॉड लाइक के लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो चुके क्योंकि वैम्पायर बस एक ऐसे प्लेयर है जो हस्तर को सपोर्ट दे सकते हैं इज द लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग फॉर हिज टीम। स्मोक डाल के कोशिश करेंगे कि किसी तरह सामने मूव इन कर पाए लेकिन अगर मावी आपके सामने आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा अगर एक और नेड आता है उस पेड़ के पीछे तो यहाँ पे गॉड लाइक खत्म हो सकती है इस गेम में। बिल्कुल बट एक चीज आप अगर मैप पे देखो तो ऑरेंज रॉक को नोआ गॉड लाइक के पास आना है उसके चलते एक और यहाँ पे क्या ग्रेनेड आया क्लोज इन हुआ है वहाँ पे उस वाले के पास बट यहाँ पे बॉक्स ईस्पोर्ट्स के यहाँ पे ब्रेक को नॉकडाउन करेंगे तो आरके स्काउट भी राइट हैंड साइड से पीक करके बॉक्स के प्लेयर्स को दिक्कत देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे डैमेज तीनों प्लेयर जरूर देते हैं बट यहाँ पे अब डोमिनेशन देखेगा बिकॉज यहाँ पे क्लोज इन कर चुके हैं स्काउट एंड आखिरी वहाँ पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग गिल भी यहाँ पे ओआर के पास है यस दोनों के लिए यहाँ पे स्काउट के पास 5 किल बट यहाँ पे BTR भी अपना डोमिनेशन इस मैप के यहाँ पे दूसरे कॉर्नर पे दिखा दो बिकॉज वहाँ पे लक्सी को आप देख सकते हो एक डिफरेंट मेटा DBS जो गन यहाँ पे प्लेयर्स ट्राई करते हैं हम लोग नाले बट वहाँ पे वो डोमिनेशन देखने को मिल रहा है उस वाली गन का बट यहाँ पे यूडू के फ्रेडो 1 यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि बॉक्स ईस्पोर्ट जो आखिरी एक प्लेयर यहाँ पे पिमॉय बचा हुआ है उसको पूरा फिनिश करते हैं एक वो किल अपने नाम करेंगे जरूर बट यहाँ पे ऑरेंज स्काउट ओपी वो भी सेम जगह पे ही वो टारगेट कर रहे हैं उस वाले प्लेयर को बिकॉज दो अलग एंगल्स अगर आपको पड़ रही है बट यहाँ पे यूडू के जंपर ओपी नॉकडाउन होंगे राइजन के द्वारा G36 यहाँ पे चलती हुई नजर आ रही है पिमॉय ने यहाँ पे नॉकडाउन करा है ऑरेंज रॉक के मावी को बॉक्स गेम में यहाँ पे एलिमिनेट होगी और इसी के साथ हमारे पास 4 टीमें बची हुई हैं 11 प्लेयर्स अलाइव 8वां जोन ऑलरेडी चल रहा है बट यहाँ पे राइजन इनकी गन नहीं रुक रही है एंड यू लेवल अप का जो स्क्वाड है वो यहाँ पे एलिमिनेट होगा ऑन द 4th पोजीशन। जी हाँ ऑरेंज रॉक का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इस गेम में यूडू गैंग के प्लेयर्स को स्पॉट कर लिए एक प्लेयर को गिल नॉकडाउन करते हुए दूसरे प्लेयर जो है उनको भी वहां पे नॉकडाउन कर दिया गया लास्ट सर्वाइविंग प्लेयर फॉर यूडू गैंग फ्रेडोल जो है
वो स्मोक के अंदर छुपे हुए, कोशिश उनकी रहेगी अपनी टीम को किसी तरह से कवर दे पाए। और ऑरेंज रॉक के अलावा यहाँ पे एक और टीम मौजूद है जो कि BTR की स्क्वाड है, आप मैप पे उनको देख सकते हैं। और फिर हमें देखना होगा किस तरह से यहाँ पे कौन सी टीम चिकन डिनर निकालेगी। BTR के पास मैन एडवांटेज डेफिनेटली रहेगा इस फाइनल फाइट पे, बट स्काउट वापस स्पॉट आउट कर चुके हैं जक्सी को। शॉट्स आप देख रहे हैं पेड़ पे हिट होते हुए, वो बुलेट मार्क्स आ रहे थे जिनका इंपैक्ट हो रहा था जक्सी के कवर के ऊपर। नेट बहुत पास था, जक्सी के पास स्मोक का कवर था, वो उसकी मदद से वहां से मूव आउट कर जाते हैं और स्मोक के कवर की वजह से अभी भी जिंदा है। बट मावी अगर आपके सामने है तो आपको बहुत ज्यादा बच के रहना पड़ेगा। स्काउट यहाँ पे बहुत अच्छे से प्लेयर्स को स्पॉट आउट कर रहे हैं और प्रेशर इन्होंने पूरी की पूरी BTR की टीम पे बना रखा है। बिल्कुल, इसके लिए यहाँ पे यू डू काफी टॉल, यहाँ पे नॉकडाउन जरूर होगा, बट यहाँ पे किल कंफर्म जरूर यहाँ पे राइजन करना चाहेंगे। बट उसके चलते यहाँ पे इकलौता एक आखिरी प्लेयर बचा था यू डू, यहाँ पे आखिरी यहाँ पे जो टॉप थ्री में यहाँ पे टीम सी यू डू जाएगी थर्ड प्लेस पे, यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। बट उसी के साथ यहाँ पे BTR वर्सेज ऑरेंज रॉक, दो बड़ी टीम्स, दो अलग अलग रीजन से साउथ ईस्ट एशिया वर्सेज साउथ एशियन टीम्स यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 3-4 का सिचुएशन, प्लेयर्स यहाँ पे स्पॉट जरूर कर रखे ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स ने, बट यहाँ पे राइजन ये लोग भी अपने हाथ से इतनी आसानी से गेम यहाँ पे जाने देंगे। लक्सी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से पीक करके हार्ड पीक यहाँ पे उन्होंने ले रखा जस्ट इन केस वहाँ पे अगर कोई प्लेयर ऊपर आता है तो। बट लक्सी यहाँ पे प्रोन करके प्लान डालने की कोशिश कर रहे थे ऑरेंज रॉक के स्काउट ओपी के ऊपर, एक ग्रेनेड आया उनको, डैमेज बहुत ज्यादा पड़ा, बट उसी के चलते लक्सी नॉक डाउन करेंगे ऑरेंज रॉक के स्काउट ओपी को। गेल यहाँ पे उनके पीछे आते हुए स्काउट पूरे फिनिश हो गए, बट एक चीज माइक्रो बॉय इज सेइंग हेलो फ्रॉम द राइट साइड एंड वो एक फ्लैंक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लैंक बन के आया वो फाइनल सर्कल की फाइट में। जिस तरीके से यहाँ पे ऑरेंज रॉक फाइनल सर्कल स्पॉट करा, बट माइक्रो बॉय का जो फ्लैंक था दैट वाज प्रीटी मच इंप्रेसिव एंड आई कैन से दैट कि वो एक इंपॉर्टेंट फ्लैंक था, अदरवाइज ऑरेंज रॉक कुड हैव क्लोज्ड डाउन बिकॉज वहां पे आपने देखो जक्सी की 1 HP थी प्रोन डाउन। एग्जैक्टली, वो माइक्रो बॉय का फ्लैंक नहीं बट वो